नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है इसलिए वीडियो आप सभी को दे नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आज आप सभी को कुवैत के तीन ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके नाम पे बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और बहुत सारे भाई भाइयों का उस कंपनी के नाम पे इंटरव्यू करा के और उसके बाद से मेडिकल करा के पैसा लूटा जाता है, ठीक है ना। तो आज मैं ये तीन कंपनी के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग ये तीनों कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं तो आप लोग सतर्क रहिएगा, ऑफिस के बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गुड्डू भाई मैं इस ऑफिस में इंटरव्यू दिया हूँ और यहाँ मेरा मेडिकल कराने के लिए बोला गया है। मेडिकल के बारे में बताइए। अगर आप लोग इंटरव्यू दे दिए हैं तो अगर आप लोग को मेडिकल का कुछ पर्ची मिला होगा तो भी मेरे को बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे तीन कंपनियां कौन हैं जिसके नाम पे फर्जीवाड़ा होता है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके दोस्तों जरूर हल कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ तीन कंपनी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो कैनपीसी है। कैनपीसी के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं, कैनपीसी कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। कंपनी तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके नाम पे बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, ठीक है ना। दोस्तों दूसरे नंबर पर केओसी है, कुवैत ऑयल कंपनी, ठीक है ना। तो केओसी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हिस्को है, हिस्को कंपनी है कुवैत के अंदर, हिस्को के नाम पर भी बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो तीन कंपनियां मैंने बताया है ना, ये तीन कंपनियों के नाम पे बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, सैलरी हद से ज्यादा बताया जाता है। अब एक मान लीजिए मैकेनिकल हेल्पर का सैलरी कुवैत गवर्नमेंट के तरफ से बहुत से हद से ज्यादा दिया जाता है, तो 100 KD, 120 KD तक अलाउ है मैकेनिकल हेल्पर का सैलरी, ठीक है ना, इंडिया के जो भी बंदे जाएंगे। और अपना जो है वहाँ पे जो फर्जी इंटरव्यू होता है उसमें कितना दिखाया जाता है, 150 KD, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम समझिए कि फर्जीवाड़ा इंडिया के अंदर बहुत सारा जो एजेंसी है, जो अनलीगल एजेंसी है, वही कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एजेंसी में अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो लाइसेंस नंबर उसका देखना है कि भारत गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल अप्रूवल इसको किया गया है कि नहीं किया गया है कि ये इंटरव्यू करा सके, सब कुछ आप सभी को चेक करके ही उसके बाद से इंटरव्यू देने आप सभी को जाना है। या वो लोग बोलते हैं सीवी सिलेक्शन है, फिर भी आप लोगों को काम नहीं कराना है, ठीक है ना। कोई भी एजेंसी हो, सीवी सिलेक्शन में अगर आप सभी को अगर भारत के द्वारा उसके पास लाइसेंस अवेलेबल ना हो तो आप सभी को उससे काम नहीं कराना है, ठीक है ना। आप लोगों को लाइसेंस नंबर चेक भी करना है, ठीक है ना, नहीं तो आपको मेडिकल करा के 4,000, 10,000, 15,000 ऐसे पैसा लूटा जाता है। तो आपका पैसा इससे बचेगा, आप फर्जीवाड़े के चक्कर में ना नहीं पड़ेंगे। जो भी फर्जीवाड़े करते हैं वो समझिए ऑफर लेटर 2 दिन में देते हैं, ऑफर लेटर मात्र 2 दिन में उनको उनके पास से कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा कि उनके पास जो वैकेंसी ना हो, आपको ऑफर लेटर 2 दिन के अंदर ही दे देंगे वो लोग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एजेंसियां हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो आपको 2 घंटा के अंदर ही दे देते हैं। तो आप सभी को इन सभी जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है इन सभी से आप सभी को बचना है और अपना पैसा बचाना है और अपना टाइम भी बर्बाद ना होने देना है। टाइम भी आप सभी का बर्बाद होता है, अब फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है, समझिए मेडिकल कराने के लिए 10,000, 8,000 ऐसे चार्ज किया जाता है आपसे, ठीक है ना। उनका सेटिंग रहता है, मेडिकल सेंटर उन्हीं का रहेगा, सब कुछ सेटिंग रहेगा, आप उसमें जाएंगे मेडिकल कराएंगे, ठीक है ना, आपका ही पैसा बर्बाद होगा। तो आप लोग अच्छे ऑफिस पकड़िए, अच्छा लाइसेंस नंबर देखिए, उसके बाद से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना। इससे आप सभी को परेशानी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो तीन कंपनियां हैं इनके नाम पर अधिकतर फर्जीवाड़ा होता है, तो आप लोग इन तीन कंपनियों के नाम पर कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं कुवैत के लिए तो कृपया आप लोग बचे। और उस तीन कंपनियां जहाँ भी इंटरव्यू चल रहा है उनका लाइसेंस नंबर सब कुछ जाँच ले, उसके बाद से आप लोग इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना दोस्तों।